आइए समझते हैं हम सब जो बहुपद में या पॉलिनोमियल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट थ्री हो तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यूब तथा एक्स पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर का मान निकालना है। तो समझते हैं, यहां देखो इस क्वेश्चन को पहले आप जैसे दिया है वैसे लिख दें, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो प्लस की वैल्यू दिया इसलिए प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 बाय एक्स का होल क्यूब कर देंगे, इधर भी हो जाएगा हम सबका अंडर रूट थ्री, मीन्स दोनों पक्षों में घन करने पर। देखिए दोनों पक्षों में घन करने पर यहां पे फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू यहां अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री आएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे के रखा है अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू, यहां देखें ये दो मिलके थ्री हो जाएगा, बाकी ये थ्री रहेगा, तो हो जाएगा थ्री अंडर रूट कितना थ्री, ये थ्री बाकी ये इसका पेयर नहीं बन रहा इसलिए ये अंडर रूट में ही रहेगा, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये थ्री अंडर रूट थ्री माइनस थ्री अंडर रूट थ्री प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो। देखें अब निकालना है एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, तो पहले लिखेंगे x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है अंडर रूट थ्री, क्योंकि ये इसका होगा x स्क्वायर का स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर निकालना है, तो x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में क्या किए भाई, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिए फार्मूला लगाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू कितना बी इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे ये टू ये एक्स वन बाई एक्स है इसलिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टू आएगा इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ये हम सबका हो जाएगा थ्री माइनस टू, टू को इधर लेके जाएंगे तो थ्री माइनस टू हो जाएगा, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना वन, अभी हम सबका स्क्वायर आया है जबकि पूछ रहा है पावर को, तो फिर इसको वर्ग कर दो, लेकिन ये दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, यहां ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर प्लस कितना हो जाएगा ये टू इज इक्वल टू वन, तो हो जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू वन माइनस टू, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। तो इस तरीके से हम सबका आंसर आ गया है, देखें ये क्यूब वाले का x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू है 0, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1। समझते हैं, देखें इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, देखें समझते हैं x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है, तो क्यूब का निकालना है तो देखिए पहले ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला समझते हैं, ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, देखिए हमको ये वाला निकालना है इसलिए सभी को इधर लिखिए, ए प्लस बी का क्यूब हो जाएगा बाकी इधर थ्री प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री ए बी ब्रेकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रेकेट में ए प्लस बी, याद रखेंगे ये भी एक आइडेंटिटीज है मीन सर्व संख्या, ये भी है याद रखेंगे ये भी इसकी आइडेंटिटीज है,
चल समझते हैं, यहां देखो ए की जगह क्या है, यक्स है, बी की जगह वन बाई एक्स, तो रख दो यक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा यक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू यक्स इंटू वन बाई एक्स ब्रेकेट में यक्स प्लस वन बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर में रखेंगे अंडर रूट थ्री का क्यूब हो जाएगा माइनस थ्री इंटू, ये अंडर रूट थ्री होगा क्योंकि यहां पे x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री देख ही रखा है, तो यहां पे रखेंगे अंडर रूट थ्री और यहां भी अंडर रूट थ्री होगा, तो इसका देखेंगे इसका तीन बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री माइनस, ये हो जाएगा थ्री अंडर रूट थ्री, देखिए इसका कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, बाकी अंडर रूट थ्री ऐसे ही रहेगा, माइनस थ्री अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, होल वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो याद रखेंगे अगर कभी भी ऐसा बहुविकल्पी में या कभी भी किसी एग्जाम में पूछता है तो याद रखेंगे हमेशा इस वाले सर्वसंख्या का यूज करके हम सब लगाएंगे। आगे देखिए इसका अगर इसका लगाना है तो समझते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस वाले प्लस को इधर लेके आओ, ये जो टू ए बी है तो यहाँ पे माइनस टू ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना टू ए बी, फिर एक बार स्क्वायर करो इसमें ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना टू ए बी का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रखें, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, हमको ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर फोर प्लस कितना बी की पावर फोर, याद रखेंगे ये भी एक सर्वसंख्या है। ये भी एक आइडेंटिटी है, तो समझते हैं देखो यहां पे एक ही जगह क्या है हम सबका यक्स है, ए इज इक्वल टू एक्स है जबकि बी इज इक्वल टू वन बाई एक्स, तो यहां पे पुट कर दो तो हो जाएगा यक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी का होल स्क्वायर, टू ए की जगह आपको रखना है यक्स, यक्स और बी की जगह वन बाई एक्स पुट करें का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए का स्क्वायर मीन यक्स का स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स का स्क्वायर, यहां पे निकालना है एक्स की पावर फोर, तो यहां साइड में लिख दें एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, क्योंकि जो ए है एक की जगह रखो बी बी की जगह, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इधर से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखे रखा है तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना टू, ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना टू इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, यहां पे देखिए ये थ्री हो जाएगा थ्री माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना टू इज इक्वल टू एक्स के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, यहां पे इसको घटा देंगे वन वन का स्क्वायर आएगा माइनस टू इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, अब देखें एक आएगा इसको घटा दो तो माइनस वन आएगा इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या बहुविकल्पी में ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे, समझते हैं देखिए क्वेश्चन है यदि x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू 47 हो तो x प्लस 1 बाय x का मान बताओ, तो समझते हैं देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लिख दें x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू 47, तो यहां देखिए हमको क्या निकालना है तो x प्लस 1 बाय x निकालना है, तो देखो इसको पहले फार्मूला लगाओ, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम सब पहले इसको जो है टू ऐड करते हैं, ये टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में वन बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर में 47 प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, देखें यहाँ का ये कैंसिल हो जाएगा, इधर का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 47 प्लस कितना टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो यहां स्क्वायर जाएगा वो उधर ट्रांसफर कर दो अंडर रूट हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 49, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये प्लस माइनस 7 आएगा तो हम सब किसी भी एक वैल्यू को कंसिडर करेंगे,
चल यहां से हम जब ये ध्यान रखेंगे प्लस सेवन भी आएगा और माइनस सेवन भी आएगा, तो किसी एक वैल्यू को लेके आगे बढ़ाना है। तो आगे समझते हैं हम सब प्लस वाले को लेके, देखिए x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस सेवन। तो यहां पे देखें ये फार्मूला फिर बनेगा x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर इसमें टू ऐड करो x इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस टू इंटू x इंटू वन बाई एक्स, दोनों साइड में हम जब ने इसको ऐड किया है टू इंटू x इंटू वन बाई एक्स, इधर में टू इंटू x इंटू वन बाई एक्स, ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन प्लस कितना टू हो जाएगा, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा नाइन, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा हम सबका नाइन हो जाएगा, तो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आएगा। अंडर रूट से कोई भी वैल्यू निकलती है तो याद रखेंगे इसका प्लस भी तीन होगा माइनस भी तीन होगा, तो यहां से प्लस को कंसिडर किए हैं तो मैक्सिमम आंसर आपका प्लस में ही कंसिडर होगा उधर। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हम सबको शॉर्टकट मेथड से लगाना है तो जो आईएनटी है जो सर्वसंख्या हमने पहले बताया उस सर्वसंख्या को लिखेंगे, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां समझे यहां पे देके रखा है इसकी वैल्यू देके रखा है 47, यहां पे देखें पुट कर दो एक बार इतना हो जाएगा हम सबका इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर टू इंटू ये हो जाएगा एक्स इंटू वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल कर देंगे ये वाला इधर से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 47 दिया हुआ है। तो देखिए ये माइनस है इधर ले दिया इसको कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, देखिए यहां पे 49 हो जाएगा इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस कितना टू का स्क्वायर, इस स्क्वायर को इधर ले किया हो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 49 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस कितना टू हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा प्लस माइनस सेवन आएगा, प्लस नहीं या माइनस सेवन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहां पे देखें तो सेवन लेके रखते हैं इज इक्वल टू हम सबका हो जाएगा ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस कितना ये टू, अब देखिए ये टू माइनस है इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, यहां सेवन प्लस कितना टू इज इक्वल टू हो जाएगा हम सबका एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये नाइन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर को इधर लेके आओ तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट नाइन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये थ्री प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स ये आंसर होगा। अगर यहां पे प्लस की वैल्यू कंसीडर किए हैं यहां पे अगर हम सबने प्लस लिया है तो यहां भी अगर आया है तो याद रखेंगे यहां भी प्लस लेंगे। देखें समझते हैं 25x² प्लस 49y² इज इक्वल टू 1066 और xy इज इक्वल टू 15, तो 5x माइनस 7y का मान ज्ञात करना। तो जो क्वेश्चन दिया है पहले आप उसको ऐसे ही लिखो 49y² इज इक्वल टू 1066, यहां पे देखें किसका मान निकालना है 5x माइनस 7y, इस चीज को ध्यान रखेंगे यहां पे स्क्वायर नहीं है लेकिन यहां पे स्क्वायर है इसका मतलब इसको स्क्वायर कर दो, तो इसका फार्मूला लगाएंगे कितना हो जाएगा 25x, इसमें हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू 5x इंटू हो जाएगा 7y, 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस, यहां पे देखिए मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 10 7 70 एक्स वाई हो जाएगा, यहां पे 5x माइनस 7y ऐसे लिख लेंगे प्लस, यहां पे देखें इसकी वैल्यू देके रखा है 1066 माइनस 17 एक्स वाई की वैल्यू देके रखा है कितना 15, तो एक्स वाई की वैल्यू 15 और इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दिए, देखें 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम सबका 1066 माइनस
मल्टीप्लाई कर देंगे 500 देखिए 1000 जो है 105 होता है। अब इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा 5x माइनस 7y का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 16। 5x माइनस 7y इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 16। तो यहां देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस 7y इज इक्वल टू अंडर रूट 16। तो अंडर रूट से 16 अगर हटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस कितना आएगा प्लस माइनस 4 आएगा। याद रखेंगे प्लस भी होती है और माइनस भी होगा। समझते हैं ये वाला क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर तो क्या करना है आपको सरल करना है। तो लिखते हैं सरल क्वेश्चन को ऐसे लिख देंगे जैसा दिया हुआ है a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पे क्या है आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक बार प्लस की वैल्यू होगी और एक बार माइनस की वैल्यू होगी। याद रखेंगे ये a है और ये वाला b है तो प्लस वाले में पहले लिखते हैं a प्लस कितना b प्लस कितना हो जाएगा c फिर प्लस ये हम सबका a है और b की वैल्यू क्या है a माइनस बी माइनस सी ये हो जाएगा a प्लस बी हो गया हम सबका। आगे देखें a माइनस बी में क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस कितना c फिर माइनस a माइनस बी माइनस सी। यहां ये याद रखेंगे ये हम सबका a है और ये b है बीच में फार्मूला लग गया a प्लस बी का इधर में लगा है a माइनस बी का। तो समझते हैं यहां देखो ये हो जाएगा a प्लस बी और प्लस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी। यहां पे समझिए ये a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ये b हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा c हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा इधर में b से b कैंसिल होगा c से c कैंसिल होगा a जुड़ जाएगा यहां पर 2a आ जाएगा इंटू यहां पे देखिए बी बी जुड़ेगा ये हो जाएगा 2b प्लस यहां पे c जुड़ेगा ये हो जाएगा 2c मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 a और b फिर 2 का इसमें कराएं प्लस 2 2 जा 4 a c ये आंसर हो जाएगा हम सबका। याद रखेंगे आंसर ये भी हो सकता है या 4 कामा ले लीजिए 4 a कामा ले लेंगे तो b प्लस कितना c ये आंसर है डिफरेंट। समझते हैं यदि x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 83 हो तो x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ पहले आप उसको ऐसे लिख दो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 83। तो यहां पे देखें x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ये x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू कितना हो जाएगा 1 बाय x। देखें इसकी जगह जो है हमको देखें माइनस निकालना है तो याद रखेंगे अगर माइनस दिया हो तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां से मतलब नहीं है अगर आपको यहां माइनस की वैल्यू निकालनी है तो यहां माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 2a 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो इसकी वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 83 यहां पे रखें 83 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आएगा 2 तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 ये हो जाएगा 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 81 तो x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। आगे देखें यहां पे क्यूब निकालना है इसका मतलब अब जो वैल्यू निकला हुआ है x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू हम सब यहां पे 9 लेंगे। देखें यहां पे क्यूब निकालना है तो अब क्या करना है दोनों पक्षों में क्या करें दोनों पक्षों में घन करने पर चलो समझते हैं x माइनस 1 बाय x का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब हो जाएगा। यहां देखें ये फार्मूला लगा देंगे a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब होता है माइनस 3 इंटू a इंटू b ब्रेकेट में a माइनस b होता है तो ऐसे लिख देंगे 8 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 9 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 9 9 9 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 को 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा 729 हो जाएगा। तो यहां देखें x क्यूब माइनस 1 बाय x का क्यूब हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देख रखा है इसकी वैल्यू है 9 यहां इसकी वैल्यू है 9 तो इंटू में कितना रख दे 9 इज इक्वल टू 729
देखें ये मल्टीप्लाई होगा, ये 27 आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 729, माइनस इधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729 प्लस 27, इसको हम सब ऐड कर देंगे। तो देखें 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 224 हो जाएगा, जो कैरी था उसको ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हम सबका 756। समझते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब, सी माइनस ए का होल क्यूब। तो देखते हैं मींस ये हम सबका a है, ये b है और ये c, इसको कंसीडर करते हुए a b c को कंसीडर करते हुए समझते हैं। देखिए a क्यूब प्लस क्या है b क्यूब प्लस क्या है c क्यूब, मींस इस वाले फॉर्मूले को हम सबको लगाना है। तो पहले सम निकालते हैं, तो ऐड करते हैं इसको, तो इसको पहले ऐड करो कितना आ जाएगा a प्लस b प्लस कितना हो जाएगा c, दोनों सभी को ऐड करो, a की जगह क्या है a माइनस बी, b की जगह क्या है b माइनस सी, c की जगह क्या है a, इतना तो a देखे a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, दैट इज द ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। हम सबको पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो देन बी ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये वाले फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो होल वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, इसका मतलब a क्यूब प्लस कितना b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहाँ पे देखिए जीरो हो जाएगा, थ्री को उधर ट्रांसफर करो ए क्यूब बी क्यूब प्लस कितना सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां पे लिखेंगे ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी और सी, यहां पे ए हम सबका ए माइनस बी है, ये इतना है और ये इतना, तो यहां पे फार्मूला देखें इसको यूज यहां पे करते हैं हम सब, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो रहा है थ्री ए बी सी, मीन यहां पर लिखेंगे थ्री इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो आंसर हम सबका जो आएगा थ्री ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सब समझ के रखें हमेशा, अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो याद रखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे, थोड़ा सा अपना कॉमन माइंड लगाएंगे। अगर सभी का समझ जीरो आ रहा है तो डायरेक्ट हम सब ये भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। अगर कॉमन सेंस काम कर रहा है तो इतना लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से आप यहां तक लगाओ। समझते हैं, देखो घनों का परिकलन किए बिना आपको निम्नलिखित का मान याद करना है, मीन्स ये जो क्यूब दिए हुए हैं बिना इनका मल्टीप्लीकेशन किए बिना आपको इनके आंसर बताने हैं। तो समझते हैं, पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला सी होता है। तो समझते हैं, देखें यहां इसका मतलब ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब दिए हुए हैं, तो पहले सबका सम अप करके चेक करो, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ दो 26 माइनस 75 प्लस 49, ऐड करेंगे कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे 26 को 49 में ऐड करेंगे 75 माइनस 75 दोनों कट जाएगा जीरो आ जाएगा, मींस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। तब हम सबको पता है कि कौन सा सूत्र लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी और सी। तो यहां देखिए ए की जगह क्या है, ए की जगह दिया हुआ है 26, बी की जगह क्या है 75, सी की जगह 49, तो यहां पे रख लेंगे हम सब, देखें ये हो जाएगा हम सबका 26 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस 49 का क्यूब इज इक्वल टू, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, मीन्स थ्री इंटू 26 माइनस 75 इंटू में 49, सभी को मल्टीप्लाई कराएंगे जितना आएगा वो हम सब आंसर होगा। समझते हैं, देखो 3 इंटू 26 माइनस 75 इंटू 49 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 286,600
50 आंसर आएगा। तो इस वाले को समझते हैं, देखो ये भी ए है और इधर ये बी है और ये सी है, तो यहां पे इसको चेक करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है। एक बार चेक करके देखो कितना आ रहा है, तो ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। ए प्लस बी प्लस कितना सी, ए की जगह 1/3, बी की जगह 1/4, माइनस में कितना 7/12 हो जाएगा। देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो इस वाले का केवल इतना लो, इधर का हो जाएगा 12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 × 3 हो जाएगा, माइनस 7/ कितना हो जाएगा 7/12 माइनस 7/12, दोनों पॉजिटिव निगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका जीरो। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हम सबको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab और c। तो समझते हैं यहां पे 3a और b c की वैल्यू रख के, तो 3 × a की जगह 1/3, b की जगह 1/4 और c की जगह है -7/12, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 × -7/12, तो क्या इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 × 7 - 7 और ये हम सबका कितना आ जाएगा 48, आंसर हो जाएगा -7/48।